नामीबिया की टीम में एक ऐसे प्लेयर है जो साउथ अफ्रीका के लिए पहले खेल चुका है, जैसे आपने अभी बताया वो है डेविड वीजा। साउथ अफ्रीका के लिए खेलते थे पर वहाँ पे ज़्यादा उनको चांस नहीं मिलता था, हर जगह जाके फ्रेंचाइजी क्रिकेट भी वो खेल चुके हैं, इंडिया में भी आईपीएल वो खेल चुके हैं आरसीबी के साथ, और साउथ अफ्रीका की टीम में उन्हें ज़्यादा चांसेस नहीं मिल रहे थे। बट बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ हिज फादर बींग बॉर्न इन नामीबिया, डेविड वीजा बिकेम एलिजिबल टू प्ले फॉर नामीबिया। तो वही ये खेल है कि देशभक्ति तो ठीक है एक जगह पे, पर अगर आपको खेलने नहीं मिल रहा है प्लेइंग 11 में तो यू कैन ऑलवेज स्विच ऑन टू अ डिफरेंट प्लेस, और वो एडवांटेज था डेविड वीजा को। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स भी कर चुके हैं, मतलब बोलते हैं कि रणजी ट्रॉफी में भी बहुत सारे प्लेयर्स प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के लिए अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं। और अगर प्रोफेशनल क्रिकेट की बात करें तो मुंबई का ही एक लड़का बाय द नेम ऑफ सौरभ नेत्रावलकर मुंबई के लिए खेलता था, ज़्यादा चांस नहीं मिलता था, वो बोला कि मैं सिर्फ पढ़ाई करूँगा, मुझे आईटी में पढ़ाई करनी है। वो गया यूएस, वहाँ पे खेलने लगा लोकल क्रिकेट, और वो इतना अच्छा उधर लोकल क्रिकेट खेलने लगा कि राइट नाउ द कैप्टन ऑफ द नेशनल टीम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ बॉय फ्रॉम मुंबई बाय द नेम ऑफ सौरभ नेत्रावलकर। तो ये कमाल है इस खेल का कि हमें खेलना है, आप कहीं से भी खेलिए, पर इन द एंड इट इज द गेम दैट विंस।